आप जैसे पत्रकार हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं यहाँ की बीजेपी बढ़िया तो महंगाई समय के अनुसार न बढ़ता है। पूर्वज है क्या, भारत के नहीं है क्या? अब हम बोले कंप्लीट ही नहीं है, कंप्लीट क्यों नहीं होगी जांच? काहे हो गया? सीबीआई कोर्ट मेड इन पाकिस्तान मिला है ना, भाजपा का है, मेड इन पाकिस्तान मिल जाएगा। बोल दो 29 तक कोई चेंज कर ही नहीं सकता है। लगातार कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान आखिर जाए तो जाए का। अभी हाल ही में सऊदी अरब से आए हैं, भीख मांगने गए थे और उसके बाद आते आते ही पलट गए। क्या लग रहा है हिंदुस्तान को, भारत सरकार को पाकिस्तान को मदद करना चाहिए कि नहीं? चूंकि कारण है कि जब शहबाज शरीफ आए हैं, जाने से पहले सऊदी अरब बयान देते हैं कि भारत सरकार से बात करेंगे, लेकिन जब वहाँ से आते आते जब रिटर्न हुए सऊदी अरब से, तो फिर वहीं कश्मीर मुद्दे पर आ गए कि कश्मीर मुद्दे सुलझाएंगे तभी हम बात करेंगे। देखिए शशि बाबू, पाकिस्तान है उल्टी खीर टेढ़ी खीर। पाकिस्तान अपने आदतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं आपको वही ले जाना चाहूंगा, अगर कोई पड़ोसी मरता रहेगा तो क्या आप मदद नहीं करेंगे? मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? इंसानियत, हर भारतीयों में इंसानियत होती है। भारत सरकार को गिर जाना चाहिए पाकिस्तान के पास। मैं गिरने की बात नहीं कहा, आपका नहीं, गिरने की बात मैंने कहा, मैंने ये कहा अगर कोई पड़ोसी मर रहा है क्या उसको पानी नहीं पूछेंगे, मरते छोड़ देंगे? हमारे हमारे जो पूर्वज क्या सिखाए हैं, मरते हुए लोगों को पानी देना। पाकिस्तान मर रहा है तो हर भारतीय का फर्ज होता है कि तो मदद करे। आप जैसे पत्रकार हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, कैसे कैसे आप ही बोले ना कि नहीं, आप क्या, आप नहीं, आपने बोला मुद्दा उठा दिए। कश्मीर तो विवादित मुद्दा तो है ही, विवादित मुद्दा कश्मीर मेरा है, विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि भारत को मदद करना चाहिए, साथ साथ हर भारतीयों को सीखना चाहिए जो स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता जो पाकिस्तान में आई है, कहीं हमारा भारत में ना आ जाए। श्रीलंका देख लीजिए, दिवालिया घोषित हो गया, देखे थे ना जी, सारा आम आदमी राष्ट्रपति घर में घुस गए, भवन में घुस गया, तोड़फोड़ मचाने लगे थे। वही हाल प्रधानमंत्री देश के करेंगे, और आप जैसे पत्रकार उनका वीडियो नहीं दिखाइएगा जो आप नहीं, 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 आप दलाल नहीं, आप गलत दलाल हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री जी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे लगाए? अरे भाई पूरा भारत बेच दिया है वो, पूरा भारत बेच दिया है। ऐसे भाई भारत बेच दिए? अरे भाई हजार बेस ऊपर है, गैस हजार बेस ऊपर है। मोदी जी क्या बोले थे? 56 सुनिए, मोदी जी क्या बोले थे? 80 करोड़ जनता को फ्री राशन मिल रहा है। सीना चौड़ा क्या बोले थे कि पेट्रोल का दाम हम कम करेंगे? और सुनिए मेरी बात, उन्होंने क्या करा? डॉलर के मुकाबले रुपया बराबर होगा, बराबर है क्या सर? रुपया कहा, डॉलर कहा? अच्छा कहा, देखते हैं क्या हो रहा है। यूरोप जानते हैं ना, अभी पॉइंट से चलता है तो एक्सीडेंट कर जाता है। विकास नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा विकास जी, कौन सा विकास? मेट्रो जो चल रहा है दिल्ली में, जो पटना में आया, कहाँ का मेट्रो है? जापान का है। हम कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं? कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं? महामारी देखिए, दो साल से महामारी से देश जूझ रहा है, पूरा दुनिया जूझ रहा है। आपका फर्ज 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का, ठीक है। मोदी जी है 2014 से ना, उनको वो कहा था कि भारत में का मोबाइल बनाकर दिखा दे। हम जो मोबाइल यूज करते हैं ना, विदेश मंदिर बन, ये देखिए मोबाइल विदेश का है, है आपके इंडिया में। मोदी जी दम है कि इंडिया मोबाइल बनाकर दिखा दे? अरे भाई बहुत सारे दम, बहुत सारे कंपनी आ रहे हैं, कंपनी बहुत तकनीकी निकाल दिए भारत का जी। डिजिटल इंडिया के नाम पर खलनायकी कर रहे हैं आप, हमारा भारत बेरोजगार हो गया। बेरोजगार दर दिखता है? पहले नहीं था बेरोजगार दर, पहले कम था, अब तो आग छू रहा है। कहाँ छू रहा है? अरे अग्निवीर जो योजना आया था, पूरे विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट किया हक के लिए, आपको नहीं दिखता है जी? देखिए और सभी मंत्र सभी को जंतर मंत्र जाए, पहले वहाँ पहलवान खिलाड़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, उसे को नेता है जी? अगर सभी विद्यार्थी को मौका मिल रहा है देश सेवा करने के लिए, क्या बोला? शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप है, कोर्ट पे केस चलेगा उसका, या उनका इंटरव्यू ले कीजिए। हम उस रेप कीजिए, कीजिए, हम उस मामले में नहीं जाएंगे, आपको है हिम्मत? आपको है हम उस मामले में नहीं जाएंगे, हम अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान दिख रहा है आपको, हिंदुस्तान नहीं दिखेगा आपको? क्या हिंदुस्तान में क्या है दिख रहा है? अरे हर भाजपा नेता भाई, आपने आप सिलेंडर के दाम बोले, कांग्रेस के समय में कितना बड़ा लाइन लगता, कितना बड़ा लाइन लगना पड़ता था, याद है ना? घूम रही आज क्या? अरे कितना बड़ा लाइन लगना पड़ता था कांग्रेस के समय में, याद नहीं है? उसमें 300 रुपए गैस था,
आज कितना है? आज आराम से मिल जाए ना, मिल तो जा रहा है ना, पूछिया मिल तो जा रहा है ना, भैया अच्छी तरह गैस के दाम कांग्रेस समय 300 रुपया आप हो गए 1000 रुपए से ऊपर। कांग्रेस बढ़िया कि बीजेपी बढ़िया? तो महंगाई समय के अनुसार न बढ़ता है, समय के अनुसार बढ़ता है ना। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के समय में लंबा लाइन लगना पड़ता था कि नहीं गैस के लिए? अभी की फ्री मिल रहा क्या? अरे आधा घंटा लाइने में लगा, लेकिन सस्ता मिले तो क्या दिक्कत है? सस्ता में क्या पाबंदी को सस्ता जाए पत्रकार महोदय? भक्ति छोड़िए, भक्ति छोड़िए, कांग्रेसी भक्ति छोड़िए, कांग्रेसी हम भारतीय है, हम भारतीय है। आप तारीफ कर रहे हैं और विकास तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताइए आपको सस्ता सामान चाहिए महंगा सामान चाहिए? सस्ता चाहिए, हर कोई को चाहिए। गैस जो पहले था 300 अब हो गया 1000 पर, जिसको पैसा है उसको पैसा रुपया, पेट्रोल हो गया 100 पर, 1200 रुपया में, 1170 रुपया में। आम आदमी भारत 370 हटा, राम मंदिर बना, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या फायदा हमको जी? पूछिए 1170 रुपया लेता है ना, तो अभी हम चलिएगा तो गैस लेके हम कार्ड पर दिखा देंगे। दीघा असियाना मोड़ के पास आता है 1170 रुपया लेता है, बेरोजगारी ला के बैठे हुए हैं। काम महामारी तो रहा ना, कोरोना काल समझ रहे ना, महामारी आया जी और कहीं महामारी नहीं आया है? आखिर भारत उससे हमने क्या बोला कि नहीं कि भारत को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, जो हालात पाकिस्तान का हुआ कहीं भारत का ना हो जाए। हम जाएगा भैया, वही तो बता रहे कि कैसे हो जाएगा। अरे भैया जो डॉलर 65 था 82 रुपया हो गया, अरे पाकिस्तान जो 63 रुपया डॉलर हो गया, आपको नहीं दिख रहा है जी? श्रीलंका नहीं दिख रहा है आपको? आज जहाँ भुखमरी हो गया है, भारत हमारा पड़ोस श्रीलंका का फेडरल रिजर्व जानते हैं? फेडरल रिजर्व जानते हैं? अरे भैया जो भी रिजर्व हाँ जानते हैं बोलिए। अच्छा क्या अभी अभी अमेरिका के फेडरल रिजर्व का रेट क्या है पता है? आप बताइए, आप ज्यादा जानकार रखते हैं। 3% है तो क्या हो गया? और कांग्रेस के समय 0% क्या हो गया भाई? तो जब पब्लिक को सुनिए, फेडरल जो बात कर रहे हैं आप 3% 0%, इनको सस्ता गैस चाहिए, इनको सस्ता दाल चाहिए, इनको सस्ता घी चाहिए, इनको सस्ता आटा चाहिए, इनको सस्ता पेट्रोल चाहिए, इनको सस्ता घर चाहिए, इनको सस्ता नौकरी चाहिए, 2 रुपया कमाए अपना बाल बुत्र पाए, सस्ता स्वास्थ्य चाहिए, सस्ता रोजगार चाहिए, सस्ता शिक्षा चाहिए। शिक्षा सस्ता है क्या? रोजगार सस्ता है क्या? स्वास्थ्य सस्ता है क्या? ठीक है आपके जो भगवान है मोदी जी बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, कमाल कर दिया, देश के प्रधानमंत्री है, आज जनता देश के प्रधानमंत्री है भाई। नहीं आप वहाँ नहीं है, आप बिके हुए हैं, अभी आप बिके हुए हैं कैसे? अच्छा मोदी भक्ति नहीं कर रहे हैं, बिके हुए हैं वो तो अभी जहाँ मकम मन जान रहा होगा कि आप बिके हुए हैं। क्या लग रहा है महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई तो आप बढ़े की समय के अनुसार बढ़ा है, समय के पहले से तो ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा इतना नहीं बढ़ना चाहिए। बताइए अभी धरेले से इतना मोटरसाइकिल नजर आता है, महंगाई अगर बढ़ता तो इतना ऑटो सेक्टर में, सुनिए ऑटो सेक्टर में कौन सा कंपनी का बताइए? अपाची है, ये जो बाइक जो पहले 2014 से पहले से कीमत कितना होगा? 55 के आसपास, इसका भी 1 लाख पार कर गया, क्या हुआ सस्ता कि महंगा हुआ? देश में तरक्की भी तो बिजक कौन तरक्की हुआ जी? अरे भाई रोड बन रहा है, ट्रेन चलता है, पुल बन रहा है, एक्सीडेंट होता है, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कौन सा बुलेट ट्रेन? क्या बोले जियो आया, जियो किसने लाया? अंबानी ने लाया? नहीं मोदी जी ने लाया। कैसे? दुनिया जानती है। अडानी किसने लाया? भाई अपने मेहनत से आया, मेहनत से नहीं आया, मेहनत से मोदी का चमचाई करके आया। सारा चैनल खरीद लिया भाई, मेरे देश के खरीद लिया, मेरे देश का व्यक्ति है, अरे भाई मेरे देश के चैनल है देश का जी। रवीश कुमार पत्रकार को भगा दिया गया, जो देश की बात करता था उसको हटा दिया। रवीश कुमार देश की बात करता था? अरे भाई कैसे? दुनिया जानता है भैया, सबसे बड़ा पुरस्कार किसको मिला है? अरे भैया तो वह विदेशी दिया है, कोई हो सकता है कि तुम प्रोपेगेंडा है, कोई मर्द है, कोई मर्द हो सकता है, प्रोपेगेंडा हो आपका मिला? अरे भाई विदेश का जो पत्रकार है, आपका जो पत्रकार है जो बैठते हैं आज तक में, जो ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, जो आज तक में जो ताल ठोक रहे हैं, जिन्होंने जो बड़ा बड़ा डिबेट कर रहे हैं, उन लोगों को मिला है क्या? अरे विदेशी बोलू पत्रकार उसको मिला है क्या? किसको कुछ मिला है क्या? इसको 7 जन्म लग जाएगा अवार्ड लेने में। रवीश कुमार भारत के नंबर वन पत्रकार है, ऐसे से पत्रकार को चैलेंज निकाल दिया गया। आप लोगों को ना इंटरव्यू करिए रवीश कुमार जी का जाके। रवीश कुमार जी भारत के नंबर वन पत्रकार, अपने आप को दुनिया के नंबर वन है भारत भर के, वो इंसान है। हम लोगों की बात करते हैं, बच्चा की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, और बाकी लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए डिबेट शो, अरे हमने क्या कहा?
पाकिस्तान खतरे में, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की मदद करना चाहिए। क्या इसमें हर्ज है भैया? पाकिस्तान को मदद करना चाहिए, पाकिस्तान को मदद करना चाहिए, करना तो चाहिए भैया। कैसे? कारण वो तो फिर शहबाज शरीफ आया है, फिर बोला है कि कश्मीर पर चर्चा जब तक नहीं सुलझेगा। पाकिस्तान को मदद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूछिए क्यों नहीं करना चाहिए। मान लीजिएगा अगर हम, ये हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, अगर हम इनके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो ये भी हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इनका धर्म बनता है, कहीं पे भी दोस्ती हो या पड़ोसी हो, कहीं पे भी कोई भी चीज़ होता है दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अब मान लीजिए कि पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के जो गवर्नमेंट थे, पहली बार जो बस चला था और जो बस से पहली बार जो समझौता एक्सप्रेस चलाए थे, उन्होंने पहला पहल किया था, उसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से क्या मिला? 2000 मुंबई हत्याकांड ताज, उसके बाद से जैसे को तैसा मिला, मतलब कि जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सही बताइए भैया, भैया पहले मेरा पूरा 1947 से पहले, पहले कंप्लीट हो जाना दीजिए, 1947 पहले सुनिए कैमरामैन, 1947 से पहले भारत आजाद नहीं था, 1947 से पहले जितने भी आप दादा हैं पूर्वज हैं, क्या भारत के नहीं है क्या? अब हम बोले कंप्लीट ही नहीं है, कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ सुनिए, इंसानियत की बात हो रही है। आज पाकिस्तान बदहाली में, चलिए कंप्लीट कीजिए, नेताओं के भाषण मत आइए। अच्छा, पहले भैया आप ये बताइए, सुनिए सुनिए आप मेरी बात, भारत इंसानियत जाना जाता है। आप तर्क कीजिए, एक उत्तर कीजिए, आप तर्क कीजिए, क्या कर रहे हैं? हमारा बोलने का स्टाइल देखिए, आराम से बोलिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए 1947 से पहले क्या वो हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई सब साथ में लड़े थे? राजनीतिक वजह से पार्टीशन हो गया, लेकिन आज भी हमारे पूर्वज पाकिस्तान में है, ठीक है, और उनके पूर्वज भारत में है। क्या इंसानियत की मदद नहीं करना चाहिए? ठीक है भैया, अब एक चीज बताइए, हम कहाँ बोले कि मदद नहीं करना चाहिए? आपने क्या बोला? अरे सुनिए पूरा बात, तो मदद क्यों करना चाहिए? जब वो हम आपका मदद करा, आप हमारे में ठेलते रहे, हम कहाँ मदद करेंगे आपका? हमारे पूर्वज हैं, जब इधर से हाथ गया है मदद का, उस समय से उधर से यही मिला है। अब सुनिए, वही चीज हम आपको बता रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। जब दूसरा चीज ये हुआ, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, उरी में हमला हुआ था, पठानकोट हुआ। सुनिए उस, हाँ सुनिए ना, हुआ है, पूरा बात सुनिएगा। अच्छा तो जो ठीक है, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, बता रहे ना। अब मान के चलिए कि मोदी जी का, मान के चलिए एक चीज की, हम मान के चलिए अगर हम पाकिस्तान में जाए, ठीक है, अरे हमारे माचिस से लिखे मेड इन इंडिया लिखे, मेड इन पाकिस्तान लिखे, माचिस मिले तो उसमें सीबीआई जांच की क्या जरूरत हो सकता है? हम हमला किए, हमारे पे गोली लगा है, पठानकोट का ही बात, पठानकोट हमला के बाद बोले थे कि मोदी जी बोले थे कि सीबीआई जांच होगी, हुई क्या? पठानकोट सीबीआई जांच हुई है, अभी सीबीआई जांच हो जाएगी ना, आपके हिसाब से बीजेपी का पर्दा खुल जाएगा? आपके हिसाब से क्या है कि बीजेपी वालों ने पठानकोट में हमला कराया था? हां तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? पठानकोट में हमला हुआ, जिसके ऊपर गोली लगा, उसके पास से जो माचिस मिल रहा है मेड इन पाकिस्तान लिख रहा है, उसमें हम क्या सीबीआई जांच कराएंगे महाराज? मुंबई में हुआ था तो कसाब को दूल्हा बना के रखा गया था, तो जांच हुआ कि ऐसा कोई बात नहीं। जांच जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसे पालन करना चाहिए। अभी अभी काहे जांच उसमें हुई, इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होगी जांच? काहे हो गया? सीबीआई कोर्ट मेड इन पाकिस्तान मिला है ना, भाजपा का है, मेड इन पाकिस्तान मिला है ना, मेड इन पाकिस्तान काहे मिला का है भैया? तो आप क्या कीजिए, स्पष्ट हो गया ना? तो अभी ये कहिए कि बालाकोट में भाजपा वाला कराया था, कहिए आप ये बोला हर हमला का पीछे सीबीआई जांच होनी चाहिए, हुआ है क्या? एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, बस एक चीज का जवाब चाहिए। मान लीजिए कि अगर पठानकोट में कोई आता है, एयरबेस पे गोलीबारी करता है, उसके पर्स से उसके जो भी हथियार निकले वहां पे मेड इन पाकिस्तान का मोहर मिले, आप उसको क्या मानिएगा? पाकिस्तानी मानिएगा? पाकिस्तान से मानते हैं, हमला हुआ है, लेकिन सवाल यह है जो मोदी जी ने वादा किया था कि सीबीआई जांच होगी, क्यों नहीं हुई सीबीआई? अब मान के चलिए हमला में जांच हो गई, जरूरत कौन? उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री फिर बन गए, बनवे करेंगे अभी 2024 में बनेंगे भैया। जो खा रहे अपना एग रोल है, सुनिए ना, जो पहले खाते थे 4 साल की मिलता था 10 रुपया, अब मिल रहा है 50 रुपया, उसके कारण है महंगाई हुआ है। पाकिस्तान को मदद करना चाहिए कि नहीं? मदद करना चाहिए, कहे नहीं मदद, देखिए मदद इन द सेंस, दूत सेंस, जब आप हमको नहीं मदद कर रहे तो हम क्यों मदद कर रहे हैं? पहला चीज शहबाज शरीफ के बयान सुने अभी? नहीं सुनिए, हम बताते हैं क्या बात। लोग बोले अभी, बोले कि मोदी को फिर से बना दिया, फिर से बना दिया। भाई एक दूसरा चेहरा कोई दिखा तो दे कि मोदी को हम नहीं चुने। सेकंड राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं। अरे वो यात्रा कर सकते हैं, बोले तो उनके पास कोई ऑप्शन
क्या ऑप्शन उनके पास क्या बचा है? लोग मीडिया भी गया, भी गया मान रहे, समझ रहे कितना भीड़ है अभी उनके यात्रा में। आप भी हम बोल रहे ना भैया, अभी हम ही 29 तक कोई चेंज नहीं कर सकता है। नेता राहुल गांधी है, अब ये मोदी देश बेच आदमी है, वो मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी जाएगा, बोल दो 29 तक कोई चेंज कर ही नहीं सकता है भैया। होगा कौन योगी मोदी के बाद? योगी आएगा, योगी आएगा। आप बताइए, चलिए इस पर आपकी क्या राय है, पाकिस्तान को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द शेयर करें। धन्यवाद।